ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं एक वेब डिजाइनर और वेब डेवलपर के ऊपर। स्टार्टिंग में मैंने जब अपनी फ्रीलांसिंग शुरू करी मैं अपने आप को वेब डेवलपर कहता था और अब मुझे हंसी आती है। और बहुत से फ्रीलांसर्स यही मिस्टेक करते हैं जो वेब डिजाइनर होते हैं बट एक्चुअली मैं अपने आप को वेब डेवलपर कहते हैं। तो आज इस वीडियो के साथ मैं आपके डाउट्स क्लियर करने जा रहा हूँ कि कौन वेब डिजाइनर होता है और कौन वेब डेवलपर होता है, उसके अलावा किस टाइप की वेबसाइट्स वेब डिजाइनर बनाते हैं और किस टाइप की वेबसाइट्स के लिए वेब डेवलपर की नीड होती है। जानने के लिए एंड तक बने रहिए, लेट्स गो। तो जी हाँ दोस्तों, मेरे पास कई टाइम ऐसी रिक्वेस्ट आती है जिसमें क्लाइंट बोलते हैं कि मुझे वेब डिजाइनिंग की जरूरत है, मुझे ये बनाना है, ये करना है, ऐसा चाहिए, ये चाहिए, और मुझे उन्हें मना करना पड़ता है और किसी वेब डेवलपर के पास भेजना पड़ता है, क्योंकि जो उनकी रिक्वेस्ट होती है वो एक डेवलपर की रिक्वेस्ट होती है, ना कि एक डिजाइनर की। मैं वेब डिजाइनर हूँ, मुझे कोडिंग नहीं आती है, तो मैं सिर्फ वेबसाइट डिजाइन करता हूँ और जो डेवलपमेंट वाला पार्ट होता है वो किसी डेवलपर के हाथ में होता है कि उसे डेवलप करना कैसे। तो चलो मैं बताता हूँ एक वेब डिजाइनर क्या करता है। तो बेसिकली एक वेब डिजाइनर का काम होता है एक वेबसाइट का डिजाइन, लेआउट, ओवरऑल स्ट्रक्चर क्रिएट करना कि वेबसाइट कैसे दिखेगी, विजुअली अपीलिंग हो, उस पर किस तरह से इमेजेस आएंगे, किस तरह से टेक्स्ट आएगा, क्या क्या कॉपी होगी, कैसे टेक्स्ट होंगे, कॉपी राइटिंग, बटन्स कैसे दिखेंगे, कलर्स कैसा होगा, पूरी वेबसाइट की ओवरऑल ब्रांडिंग कैसे होगी, लोगो कैसे लगेगा, पूरा नेविगेशन वगैरह किस तरीके से होगा। साथ ही साथ एक वेब डिजाइनर इस चीज का भी ध्यान रखता है कि वेबसाइट का यूजर एक्सपीरियंस कैसा है और यूजर इंटरफेस कैसा है। यूजर एक्सपीरियंस होता है कि जब कोई वेबसाइट पे आता है तो नेक्स्ट स्टेप्स क्या होते हैं, किस तरह से वो वेबसाइट में अपनी जर्नी फॉलो करता है एक यूजर, और यूजर इंटरफेस ये होता है कि वो वेबसाइट कैसी दिखती है, क्या वो जिस कंपनी की वेबसाइट है, जिस ब्रांड की वेबसाइट है उसके ब्रांड को रिप्रेजेंट करती है, उसके मैसेज को क्लियरली रिप्रेजेंट करती है या नहीं। तो ये वेब डिजाइनर का काम होता है। वेब डिजाइनर्स ज्यादातर डिजाइन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं अपने काम के लिए, जैसे कि Adobe XD हो गया, फिग्मा हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया या फोटोशॉप हो गया, उस पे बेसिकली वो वेबसाइट का पूरा डिजाइन तैयार करते हैं कि वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस कैसे दिखेंगे, क्या क्या सेक्शन होंगे, टेस्टिमोनियल कैसे दिखेगा, एडिटेड इमेज लगाते हैं, फोटोशॉप इमेज लगाते हैं, ग्राफिक्स डिजाइन करते हैं, ये सारे काम वेब डिजाइनर के होते हैं। अब मान लो आपको फोटोशॉप नहीं आता, ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती, तो आप किसी ग्राफिक डिजाइनर्स के हेल्प में उनके साथ कोलैबोरेट करके आप वेबसाइट के लिए ग्राफिक्स बना सकते हैं, बट ओवरऑल आपका काम है पूरी वेबसाइट की स्ट्रेटजी तैयार करना, कलर्स तैयार करना, ब्रांडिंग तैयार करना और क्या फॉन्ट यूज होंगे, उन सब का ध्यान रखना। और ऐसा नहीं है कि वेब डिजाइनर्स वेबसाइट नहीं बनाते, मैं वेब डिजाइनर हूँ, मैं डिजाइन भी करता हूँ, वेबसाइट बनाता भी हूँ, बट जो वेब डिजाइनर्स होते हैं वो नो कोड टूल्स का यूज करते हैं, जैसे कि वर्डप्रेस, शॉपिफाई, स्क्वायरस्पेस, विक्स, एलिमेंटर और उसके अलावा जितने भी नो कोड टूल होते हैं बेसिकली, जिनमें आपको कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती वेबसाइट डेवलप करने के लिए। वेबफ्लो भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि आप इसमें Adobe XD या फिग्मा में आप वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, उसके बाद जो डिजाइन करिए आपने वेबसाइट उसको आप डेवलप कर सकते हैं इन नो कोड टूल की मदद से। तो यहाँ पे एक वेब डिजाइनर भी एक वेबसाइट बना सकता है। तो चलो, अब वेब डिजाइनर भी वेबसाइट बना सकता है तो वेब डेवलपर का क्या काम है आज के जमाने में। तो बेसिकली वेब डेवलपर क्या होते हैं, ये एक वेब डिजाइनर्स के वेबसाइट डिजाइन करने के बाद, अगर वो बहुत कॉम्प्लेक्स वेबसाइट है जो इन नो कोड टूल्स के ऊपर नहीं बन सकती, जैसे वर्डप्रेस हो गया, तो वहां पे वेब डेवलपर आता है जिनको कोडिंग की नॉलेज होती है, जिनको HTML, CSS, JavaScript, Python, React वगैरह ये सब सारी कोडिंग लैंग्वेजेस की नॉलेज होती है। वो लोग क्या करते हैं, कोडिंग करके वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, वेबसाइट को डेवलप करते हैं, जैसा आपने उसका डिजाइन बनाया है उस तरीके का पूरा सब कुछ डेवलप करते हैं एक कोडिंग लैंग्वेज की मदद से। उसके अलावा वो वेबसाइट के ऊपर कस्टमाइजेशन करते हैं, फीचर्स ऐड करते हैं, जैसे कि लाइव ट्रैकिंग हो गया या गूगल साइन इन हो गया, गूगल API वगैरह, मैप्स वगैरह। जैसे आप जाओगे Zomato की वेबसाइट पे, आप कुछ ऑर्डर करते हो तो वहां पे लाइव कूरियर कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, ये सब दिखता है। तो ये कोई वेब डिजाइनर नहीं कर सकता वेबसाइट के ऊपर, इसके लिए कस्टम कोडिंग चाहिए होती है, API लगाना पड़ता है, जो कि काम होता है वेब डेवलपर का, क्योंकि उन्हें कोडिंग की नॉलेज है, API की नॉलेज है और ये सारी टेक्नोलॉजीज की नॉलेज है जिसके मदद से वो वेबसाइट डेवलप करते हैं। तो बेसिकली वेबसाइट और वेब डिजाइनर के बीच का फर्क यही है कि वेबसाइट एक तरह से आर्किटेक्ट होते हैं जो डिजाइन तैयार करते हैं पेपर के ऊपर, एंड देन वेब डेवलपर क्या होते हैं, वो कंस्ट्रक्टर होते हैं जो बेसिकली उसको फिर जमीन से लेके ऊपर तक स्क्रैच से बिल्ड करते हैं। उसके बाद अगेन वेब डिजाइनर वही काम करते हैं, जब वेबसाइट डेवलप हो जाती है तो उसे चेक करते हैं अच्छे से कि अच्छी
अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, अगेन जैसे एक बिल्डिंग के अंदर इंटीरियर डिजाइनर काम करता है ताकि वो घर अच्छा लगे बाहर से भी और अंदर से भी, तो यही काम है डिजाइनर जो होते हैं वेब डिजाइनर, उनका काम बेसिकली डिजाइन करना होता है, बट उनको इतनी नॉलेज होती है कि वो डेवलप भी कर सकते हैं नो कोड टूल्स का यूज करके। बाकी वेब डेवलपर क्या होते हैं, उनको डिजाइनिंग की नॉलेज नहीं होती, डिजाइन फंडामेंटल्स की नॉलेज नहीं होती, तो वो सिर्फ वेबसाइट को डेवलप करते हैं जैसा भी उनको डिजाइन पकड़ा दिया जाए। तो आपने एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, अगर कोई किसी वेबसाइट पे एक वेब डिजाइनर काम नहीं करता तो वेबसाइट कैसी दिखती है, आपने सरकारी वेबसाइट देखी होंगी कैसी होती है, बिल्कुल अलग अलग कलर होते हैं, बहुत छोटे छोटे फॉन्ट होते हैं, यहाँ पे ये चमक रहा है यहाँ पे ये चमक रहा है, 10 चीजें होती है, बहुत ही डिस्ट्रैक्टिंग वेबसाइट होती है, कुछ भी समझ नहीं आता कि हमें कहाँ पे क्या चीज मिलेगी। बेसिकली वो क्या होते हैं, वो वेब डेवलपर होते हैं, और जब वेब डेवलपर वेबसाइट को खुद ही डिजाइन करते हैं तो कुछ वेबसाइट इस तरह की दिखती है जैसा एक सरकारी वेबसाइट दिखाई देती है। तो इसीलिए एक अच्छी कंपनी, एक बड़ी कंपनी के कोई एक स्टार्टअप के ऊपर दो लोग काम करते हैं, एक होता है वेब डिजाइनर एक होता है वेब डेवलपर, दोनों मिलके काम करते हैं और एक बेस्ट वेबसाइट बनती है। तो वेब डेवलपर क्या करते हैं, अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग एक्सपर्टीज से वेब डिजाइनर के डिजाइन में हवा देते हैं, बेसिकली सांस देते हैं। किस तरह के बिजनेसेस को वेब डिजाइनर की जरूरत होती है और किस तरह के बिजनेसेस को वेब डेवलपर की जरूरत होती है इसकी बात कर लेते हैं। तो जो बहुत से स्मॉल बिजनेस होते हैं जैसे आपके लोकल शॉप्स हो गई या रेस्टोरेंट हो गया कैफे हो गया, इनको सिंपल वेबसाइट चाहिए होती है, जो जैसे कोच हो गए कोई म्यूजिशियन हो गया आर्टिस्ट हो गया, इनकी वेबसाइट बड़ी सिंपल होती है, वहां पे बस इनको अपना प्रोडक्ट वगैरह शोकेस करना होता है। तो यहां पे एक वेब डिजाइनर एक वेबसाइट डिजाइन करके उसे बना भी सकता है वर्डप्रेस के ऊपर या किसी भी ऐसे टूल के ऊपर जहां कोडिंग नहीं चाहिए होती है। बाकी अगर कोई ब्रांड है, कोई स्टार्टअप है, कोई कंपनी है, कोई ऐप है, कुछ वेब ऐप बनाना है जैसे जोमैटो उबर, इन सब की जो सर्विसेज होती है, जो इनकी वेबसाइट होती है जहां पे ये सेल करते हैं, या फिर कुछ ऐसा ट्रैकिंग वगैरह API लॉगिन साइन अप, या जहां पे डेटाबेस क्रिएट करना होता है जहां पे लोग फॉर्म फिलअप करते हैं या कुछ चीज अपलोड करते हैं, यहां पे वेब डेवलपर की जरूरत होती है क्योंकि यहां पे डेटाबेस वगैरह बनाना पड़ता है और ये बहुत सारे API वगैरह उसमें इंटीग्रेट करने पड़ते हैं। तो जो भी एप्स वगैरह डेवलप करने होते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया या फिर कोई भी सर्विसेज रिलेटेड, जोमैटो उबर स्विगी, कोई कोर्स हो गया कोर्स ऐप हो गया, इन सब एप्स के लिए आपको चाहिए होता है वेब डेवलपर। और जो सिंपल वेबसाइट्स होती हैं जो सिर्फ पोर्टफोलियो या फिर अपनी सर्विसेज को दिखाने के काम आती है, उनके लिए चाहिए होता है वेब डिजाइनर। तो अब मैं डिटेल में बता देता हूं कि किस किस तरह के अगर आपके पास प्रोजेक्ट आते हैं तो आप उसे खुद कर सकते हैं अगर आप वेब डिजाइनर हैं, और किस किस प्रोजेक्ट को एज ए आप वेब डेवलपर कर सकते हैं। आपके पास अगर ये सब रिक्वेस्ट आती है तो आप ये काम कर सकते हैं एज ए वेब डिजाइनर। अगर आपको होम पेज बनाना है, किसी वेबसाइट की ब्रांडिंग करनी है, रीब्रांडिंग करनी है, वेबसाइट को रीडिजाइन करना है, आपको एक वेबसाइट का कॉन्सेप्ट तैयार करना है, आपको किसी बिजनेस के लिए वेबसाइट की स्ट्रेटजी रेडी करनी है, बेसिक वेबसाइट बनानी है, तो इन सब के लिए आपको एक वेब डिजाइनर की जरूरत पड़ती है। और अगर आप वेब डिजाइनर हैं तो ये सब काम आप कर सकते हैं। नंबर टू, अगर आप वेब डेवलपर हैं तो आप ये सब टाइप के प्रोजेक्ट्स आप कर सकते हैं। अगर आपको ऐप बनाने की रिक्वेस्ट हो, या आपको HTML, CSS या कोई कोडिंग की जरूरत हो, या यहाँ पे कोई वेबसाइट के ऊपर कोई API लगाना है, या कुछ इनपुट करना है, यूजर्स कुछ लॉगिन साइन अप कर सकें, या यूजर्स कुछ प्रोवाइड कर सकें, अपलोड कर सकें, उसको फीचर्स को डालने के लिए आपको वेब डेवलपर की जरूरत पड़ती है। कोई ऐप बिल्ड करने के लिए वेब डेवलपर चाहिए होता है। किसी वेबसाइट पे क्विज या इंटरैक्टिव गेम क्रिएट करना है तो भी आपको वेब डेवलपर की जरूरत पड़ती है। या फिर अगर आपको कोई एक ऐसी सर्विस बनानी है जिसका मंथली सब्सक्रिप्शन होता है, जैसे कैनवा हो गया, एडोब फोटोशॉप हो गया, कुछ इस तरह की सब्सक्रिप्शन बेस्ड आपको कुछ वेबसाइट बनानी है, कोई म्यूजिक स्ट्रीमिंग वेबसाइट है, वीडियो स्ट्रीमिंग वेबसाइट है, तो उसके लिए भी आपको वेब डेवलपर की जरूरत पड़ती है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि एक वेब डिजाइनर और एक वेब डेवलपर के बीच में क्या फर्क है, बहुत ही डिटेल्ड मैंने बताया है। फिर से अगर मैं आपको एक सिंपल वे में बताऊं तो बहुत से ज्यादातर मतलब 70% जो बिजनेस होते हैं, जो छोटे बिजनेस होते हैं, स्मॉल बिजनेस, मीडियम बिजनेस, या फिर आर्टिस्ट, क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर, कोचेज, इन सबको एक वेब डिजाइनर की जरूरत पड़ती है क्योंकि वो वेब डिजाइन कर सकते हैं और उसे नो कोड टूल का यूज करके डेवलप भी कर सकते हैं। बाकी जितने भी मीडियम टू लार्ज बिजनेस होते हैं, जैसे कि स्टार्टअप्स हो गया या कोई बड़ी कंपनी हो गई, बड़े कॉरपोरेशन हो गए, तो उनको हमेशा वेब डेवलपर की जरूरत पड़ती है, साथ में वेब डिजाइनर की भी जरूरत पड़ सकती है। तो अगर आप सिर्फ वेब डिजाइनर हैं, आपको जरूरत नहीं है कि आप किसी बड़ी कंपनी को भगा दें, आप क्या कर सकते हैं उनके लिए सिर्फ वेबसाइट डिजाइन करके दे दो, वो किसी और से डेवलप वेबसाइट करवा लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता ही है क्या करना है। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ। सी यू, बाय।